गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ राधा सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो सुबह है और मैं छत पे हूँ अपने, और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ अपना वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि बज रहा है इस टाइम सात बज के सत्ताईस मिनट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो अपलोड करते करते अपने वीडियो की जो है शुरुआत भी कर देती हूँ। तो बस मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत भी कर दी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे होंगे कि जितना मैंने सोचा नहीं था। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बन रहा है चाय, वो भी केतली में। इसी में रखी थी मैं अनी के लिए दूध। तो अनी नहीं रात में दूध पी है, थोड़ा सा बस पी थी तो इसमें दूध बचा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें चाय ही बना लेती हूँ इंडक्शन पे रख लेती, क्योंकि ये बर्तन जो है इंडक्शन पे पकड़ता है। और वो मम्मी की छुट्टी वाली मोबाइल। फ्रेंड मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैक्रोनी, और यहाँ पे मम्मी चढ़ा के गई है जो है कलौजी करेले की, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, क्योंकि अनी को चाहिए था मैक्रोनी। और पापा मेरा वीडियो देखे थे, मम्मी मेरा वीडियो देखी थी तो बोली थी कि एक दिन हमें भी बना करके खिला दो। तो पापा गए मार्केट से, थोड़ा सा लाए हैं खरीद करके, तो वही मैं बना रही हूँ। वो भी टमाटर सॉस लाए ही नहीं है, टमाटर काट के बनाई हूँ, एकदम सिंपल सा बनाई हूँ। टमाटो सॉस नहीं है तो टमाटर भी डाल करके बन सकता है, बस मैंने टमाटर कट करके डाली हूँ। और वहाँ पर हॉर्न दे रही हैं अनी, क्योंकि मम्मी और पापा मेरा वीडियो देखते थे मैक्रोनी बनाने का पास, और ये मैगी वगैरह वगैरह जितने भी थे। तो वो भी बहुत आइटम बना रही है, थोड़ा सा हमें भी खिला दो। मैक्रोनी मैं ला रहा हूँ मार्केट से खरीद करके, तो बोली ठीक है बना दूँगी। तो बस बन गया है, अब मैं निकाल करके अनी को दे दूँगी, नहीं तो अनी तो मेरा सर खा रही है। ला रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ अनी के लिए। चलो लो खाओ, अगर पूरा फिनिश नहीं की तो फिर तुमको बहुत मारेंगे जो चिल्ला रही हो तो ना। पास्ता हाँ खाओ, अगर पूरा फिनिश नहीं की तो फिर बहुत मारेंगे तुमको। तो फ्रेंड अनी के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ कटोरे में जो है मैगी इंडक्शन पे। अनी सो करके उठी हैं तो उनको मैगी चाहिए खाने को, तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा मैगी बना रही हूँ। सोचा कि चलो कटोरे में ही बना देती हूँ इंडक्शन पे। इस पे इंडक्शन पे है कि जो समतल बर्तन होते हैं कुछ भी चढ़ जाता है, ये सही रहता है। तो छोटे मोटे किसी भी चीज़ में आप आराम से आसानी के साथ बना सकते हो, गिरने का कोई डर नहीं रहता। एकदम स्लो पे कर दीजिए। मैं यहाँ पे 6 नंबर पे की हूँ, आराम से धीरे धीरे पक रहा है। और मम्मी यहाँ पे हमारा जो है सूट जो है फिटिंग कर रही है, जो सारे सूट जो बाकी हो गए थे, 2-3-4 सूट बाकी हैं वो फिटिंग के लिए सीलन चला रही है। तो बस वहाँ पर मम्मी अपना काम कर रही है और मैं अपना मैगी बना रही हूँ। गर्मी बहुत है। फ्रेंड अनी अकेले आगे 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 भाग रही हैं, गांव में जा रही हैं। किससे मिलने जा रही हो अनी? सामने देख के बोलो, किससे मिलने गांव में उधर जा रही हो? तो फ्रेंड हम अनी को लेके जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए गांव में घुमाने के लिए, क्योंकि अनी का मन उब गया है घर में बैठे बैठे। तो अनी जाएंगी, कहाँ जाओगी? पार्टी में। पार्टी में नहीं, गांव में घूमी करने। गांव में घूमी करने। यस यस। चलो फ्रेंड चलते हैं, इनको थोड़ा सा घुमा लाते हैं, क्योंकि शाम हो गई है, थोड़ा सा धूप भी कम हो गया। तो हम कहे चलो थोड़ा सा इनको टहला लाती हूँ। बाबा घूम रही हो? हाँ, क्या बदमाशी कर रही हो? कहाँ घूम रही है रे? अनी गांव से में से आते ही अपना कपड़ा वपड़ा निकाल करके नंगू बाबा बन के घूमने लगी। एक नहीं है, वहाँ जा करके बच्चों से मार करती हैं। बित्ती भर की हैं, अपने से बड़े 6-7 साल के बच्चों से लगती हैं, वहीं हाथापाई करने लगती हैं। झगड़ा कर रही थी ना तुम? तुम ओम से क्यों मार कर रही थी बताओ? ओम से? हाँ ओम, पता है मम्मी ओम जो है ना इतना बड़ा हुआ निंसी, उनका टी शर्ट ले करके ओके खींचा था इन, ओके मारा था इन, अब ढकेल दे और इनके लेके सटार देते ना, नहीं वही गिर जाती।
जानिए इनके इनको अब गांव में ले नहीं जाएंगे हम, इनको जा करके मैं मार करती हूँ वहीं बच्चों से। भाई मुझे चॉकलेट देता है तो भाई से मार क्यों कर रही थी तुम? मार कर रही थी तुम, उसको मार रही थी, उसका जो शर्ट पकड़ के खींच रही थी, उसको धक्का दे रही थी। तुमको भी वो उसने धक्का दिया था ना, गिरी थी ना धड़ाम से, चोट आ जाती तुमको था? मम्मी भाई जो चॉकलेट देता है टॉफी देता है चॉकलेट देता है सब देता है सब देता है हाँ सब देता है। तो तुम्हार करोगी जा करके भाई से झगड़ा करोगी, तुम्हें ले नहीं जाएंगे हम गाँव में, अब जब तक तुम रहोगे तुम्हें ले नहीं जाएंगे। इनको हो रही है गर्मी, इधर मम्मी को भी हो रही है, मम्मी भी सो रही है, कूलर चल रहा है। आ हा राहत हो गई है कूलर से, इतना ठंडा करता है ना पानी, इसमें पूरा एकदम लबा लब भर दीजिए, एकदम मस्त हवा चल रही है। और यहाँ पे मम्मी बना रही है सब्जी इंडक्शन पे, बना बना करके चला चला करके जा करके लेट जा रही है क्योंकि गर्मी हो रही है ना। यहाँ पे पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है और यहाँ इंडक्शन पे खाना भी बन रहा है, तब भी इतनी गर्मी लग रही है, बताइए बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ करके पड़ रही है। अनी कुछ भी नहीं करो, देखो गिलास गिर गया, पर्दा हटा दो हवा लगेगा ना। तो फ्रेंड रात को बज रहा है इस टाइम 11 और अनी सो गई हैं और हम लोग भी खाना वाना खा लिए हैं, तो मैं थोड़ा सा खाना खा के यहाँ आंगन में जो है टहल रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने वीडियो का मैंने किया है नहीं है एंड, तो कर देती हूँ अपने वीडियो का एंड, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे आंगन में ठहरती हूँ ना, थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा चलता है और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर होता है, मतलब क्योंकि खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा टहल लो तो गर्मी में क्या होता है कि खाना थोड़ा सा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, वरना जैसे लगता है कि एकदम उमस जैसा अजीब सा फील होता है। तो मैंने तुरंत खाना खाया ना, मुझे अजीब सा लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा जैसे थोड़ा बहुत टहल ली तब जा कर के आराम मिला है। अभी से सो गई हैं, अब मैं भी जा रही हूँ सोने क्योंकि रात में हो गया है, ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अब मैं भी चलती हूँ क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। और पीछे आंगन में सारे कपड़े फैलाए हुए हैं, आप लोगों को देख रहे होंगे बेडशीट और मेरे कपड़े सब हैं, मम्मी ने शाम को धुल करके वहाँ पे फैला दिए क्योंकि सुबह में धूप बहुत तेज़ रहती तो इसलिए कपड़ा कोई नहीं धोता है क्योंकि रंग उड़ने का डर रहता था, इसलिए मम्मी शाम को धुल करके सब कपड़े फैला देती। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं अपनी वीडियो का कर देती हूँ एंड, तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।